प्रिय विद्यार्थियों, हम संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के माध्यम से भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले विद्वानों की बात कर रहे थे पिछले व्याख्यानों के अंतर्गत। आज हम जिस महत्वपूर्ण समाजशास्त्री को ले रहे हैं वो हैं विद्वान समाजशास्त्री मैकिम मैरियट। आप शिकागो विश्वविद्यालय में मानवशास्त्र के प्रोफेसर हैं और आपने उसी विश्वविद्यालय से 1955 में अपनी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। आपने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में क्षेत्रीय कार्य किया और विलेज इंडिया का संपादन भी किया। आप रॉबर्ट रेडफील्ड से काफ़ी प्रभावित से सिंगर और रॉबर्ट रेडफील्ड से। रेडफील्ड ने मैक्सिकन समुदाय का अध्ययन किया और उनके अनुसार लघु समुदाय का उन्होंने कॉन्सेप्ट उस समय उसकी चर्चा की और लघु समुदाय से उनका तात्पर्य था जिसका सीमित आकार, जो स्वनिर्भर होता है और जो सापेक्षतः पृथक होता है, पृथकता होती है, यह उन्होंने लघु समुदाय के अंतर्गत उसका अर्थ निकाला था कि लघु समुदाय एक गांव था। आपने मिल्टन सिंगर और मैरियट के साथ साथ लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशंस की चर्चा की है। तो यदि हम इनके महत्वपूर्ण रूप में देखें कि क्या क्या इनका योगदान भारतीय समाजशास्त्र में जब इन्होंने अध्ययन किया है, जिसकी चर्चा हम भी करेंगे, तो उसमें आपने सामाजिक संगठन, सामाजिक परिवर्तन की चर्चा की है, सभ्यता की चर्चा की है, आपने श्रेणी व्यवस्था, जो हम कहें संस्थानात्मक व्यवस्था की चर्चा की है, सामाजिक गतिशीलता और हिंदू सांस्कृतिक श्रेणियाँ अपनी विशिष्ट पुस्तक के अंतर्गत आपने इसका जिक्र किया है, जातिगत श्रेणीबद्धता या कास्ट रैंकिंग की चर्चा आपने की है, उसका उदाहरण, इसके साथ साथ सामाजिक स्तरीकरण की चर्चा आपने की है और लघु और दीर्घ परंपराओं के साथ साथ आपने उसके संदर्भ में ही उसको स्पष्ट करने के लिए स्थानीयकरण या संकुचितीकरण भी जिसे कहते हैं कई विद्वान, और सार्वभौमिकरण की चर्चा आपने की है। तो यदि हम इनकी चर्चा प्रारंभ करने से पहले हम इनकी कुछ जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो देखें। दो इनकी एडिटेड पुस्तकें हैं, जैसे एक है विलेज इंडिया स्टडीज़ इन द लिटिल कम्युनिटी, जो 1955 में प्रकाशित हुई है, और दूसरी 1990 में प्रकाशित होने वाली एडिटेड बुक इंडियाज थ्रू हिंदू कैटेगरीज। अन्य पुस्तक आपकी कास्ट रैंकिंग एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर इन द फाइव रीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अन्य जो इनकी कृतियां हैं, लेख हैं, उनका विवरण हम जैसे जैसे इनके बारे में बात करेंगे उसमें समझाने की या उनको हाईलाइट में लाने की कोशिश करेंगे। यदि हम पद्धति शास्त्रीय रूप में इनका देखते हैं, उपागम के स्तर पे देखते हैं, तो आपने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के माध्यम से अध्ययन, गांव का अध्ययन, भारत के गांव का अध्ययन किया है। आप रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर से प्रभावित रहे हैं। आपने सभ्यता, सामाजिक संगठन और परंपराओं से संबंधित जो इनका मुख्य आधार है अध्ययन के, वो सभ्यता, सामाजिक संगठन और परंपराएँ रही हैं। तो एक उद्विकासीय धारणा आपका कहना है कि सभ्यता और परंपरा की संरचनाएं दो चरणों में विकसित होती हैं। पहला निरंतरता के क्रम में स्थानीय स्तर पर होने वाला उद्विकास और दूसरा सभ्यताओं और संस्कृतियों से होने वाले संपर्कों के माध्यम से या उनके सम्मिश्रण से होने वाला उद्विकास एक छोटे स्तर पर है, एक बृहद स्तर पर उद्विकास है। आपकी जो एडिटेड पुस्तक है विलेज इंडिया स्टडीज़ इन लिटिल कम्युनिटी, आपने उसका संपादन किया है और 1955 में प्रकाशित यह संकलन ग्राम अध्ययनों पर लेखों का एक महत्वपूर्ण संकलन था जो आज भी प्रासंगिक कहा जाता है। इस पुस्तक में देशी विदेशी दोनों प्रकार के लेखकों के लेख संकलित हैं, जिनका प्रयास भारतीय सभ्यता की जटिलताओं में भारतीय गांवों को समझना है। इसके अंतर्गत आपने जाति का पुनः परीक्षण किया है और उसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझाने का, प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया है। मैरियट का एक लेख है लिटिल कम्युनिटी इन इंडिजिनस सिविलाइजेशन,
जो 1950 से अप्रैल 1952 के बीच मैरियट ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के किशनगढ़ी ग्राम में यह अध्ययन किया था। किशनगढ़ी आपके अनुसार कोई अलग थलग पड़ा हुआ गांव नहीं है, लेकिन उसकी एक अलग अपनी दुनिया भी है। यानी कई मायनों में उसको हम पूरा इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं, जो हर तरह से अपने आप में सिमटा हुआ है और दूसरी तरफ वो बाहरी दुनिया संस्कृतियों के साथ संपर्क से एक अंतःक्रिया भी उसके अंतर्गत होती है। आपने दोनों ही रूपों में उसका जिक्र किया है। और आपके अनुसार किशनगढ़ी गांव एक जीवंत अस्तित्व है, इसकी निश्चित संरचना है, अवधारणात्मक रूप में इसकी विशिष्ट पहचान है, उसकी एक प्रणाली है और कई उप प्रणालियाँ भी हैं जिससे यह अस्तित्व में है और अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। मैरियट के आगे मैरियट समझाते हैं कि एक भारतीय ग्राम का संबंध उसके बाह्य जगत के अंतर संबंधों के साथ, सभ्यता के साथ जोड़कर हम देख सकते हैं, उसके जोड़ने का प्रयास हम करते हैं, जिससे यह गांव एक स्थानीय और छोटा सा हिस्सा है। यानी उस बाहरी दुनिया का एक छोटा हिस्सा है, अपने आप में सेपरेट भी है और उनसे इंटरेक्शन भी रहता है। तो अलीगढ़ जिले के इस गांव की मैरियट के जो आपका लेख है उसमें उल्लेख किया है कि इसकी अपनी दुनिया और आसपास के अन्य समुदायों के साथ इसके अंतर संबंधों की व्याख्या इस लेख में उनके अन्य लेखों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होती है। मैरियट ने ऐतिहासिक पक्षों को बहुत विस्तार से जोड़ा है, भारतीय सभ्यता और विकास के साथ इसको जोड़कर देखा गया है। और इसके साथ साथ आपने ये स्पष्ट किया है कि जो लघु और वृहद समुदाय हैं उनकी ऐतिहासिक अंतःक्रिया को हमें ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जिनके बीच में अंतःक्रियाएं चलती हैं और कई पीढ़ियों से संचालित प्रशासन, भूमि स्वामित्व, फिर जाति के आधार, सभ्यता के आधार पर स्थानीय समुदायों और अन्य समुदायों के साथ संबंधों की अंतर विवेचना के संदर्भों को देखने की कोशिश आपने की है, उसके माध्यम से आपने इस गांव को समझने का प्रयास किया है। दूसरा, प्रशासन गांव की स्थानीयता के आधार पर ऊपर बढ़ता है, यानी ग्राम के संरचनात्मक लक्षण ऐसे हैं जो स्थानीय विकास के संदर्भ में देखे जा सकते हैं, जैसे नातेदारी संरचना, ग्रामीण बसाव, संघर्ष के स्वरूप, सभी कुछ वृहद स्तर पर होने वाली घटनाओं के प्रतिबिंब है, लोकल भी है, लेकिन इसके साथ साथ वो बाहर की दुनिया के प्रतिबिंब के रिफ्लेक्शन के रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं। और आपने निष्कर्ष जो निकाला उसमें ये कहा कि जो भी वर्तमान स्वरूप है उसमें लघु और दीर्घ समुदाय दोनों ही अपने अस्तित्व के लिए अंतर संबंधित है। जाति और राज्य के अतिरिक्त मैरियट ने पूजे जाने वाले देवी देवताओं, उत्सवों का विश्लेषण भी किया है और इससे हमें भारत में ग्रामीण समुदाय की प्रकृति का पता चलता है। मैरियट का एक और दृष्टिकोण संस्कृति और विचार तत्वों के साथ भी जुड़ा हुआ है, वो है लघु और दीर्घ समुदाय। लघु और दीर्घ, ये दोनों समुदाय लघु और दीर्घ परंपराओं के साथ में जुड़े हुए हैं। मैरियट ने लघु और दीर्घ परंपराओं के आधार पर ही स्थानीयकरण या संकुचितीकरण और सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। आपने लिखा है, भारत के मामले में हम मध्यम मार्गीय हैं। किस क्षेत्र में? आपने ये बताया कि आदिवासी समूह की तरह गांव अकेले अलग थलग पड़े समुदाय भी नहीं है और ना ही ये वृहद स्तर पर स्थापित संरचना की एक शाखा है, बल्कि ये हम ये कहें कि भारत इस मामले में मध्यम मार्गीय। गांव भारी दुनिया से केंद्र में समायोजित करने में असमर्थ है और उसी प्रकार भारी दुनिया गांव के जीवन के केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ है। मैरियट आगे वृहद परिवेश में व्याप्त स्तर, सक्रिय क्षेत्र, लोक नगरीय निरंतरता, सामुदायिक संबंधों का स्तर आदि प्रत्ययों की चर्चा भी करते हैं और यह प्रयास प्राथमिक सभ्यता और द्वितीयक सभ्यताओं को समझने का भी स्पष्ट उदाहरण है। आपने विकसित वृहद परंपराएं सदैव आपके अनुसार लघु परंपराओं के साथ संवाद स्थापित किए रहती है और इसी क्रम में स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की प्रक्रियाएं लघु और दीर्घ परंपराओं को संचालित करने में मदद करती हैं। दोनों अवधारणाएं एक दूसरे को संचालित करने में मदद करती है। सिंगर और मैरियट दोनों ने
भारत के गांवों का विस्तृत अध्ययन किया और इन दोनों समाजशास्त्रियों ने लघु और दीर्घ परंपराओं की अवधारणा के विकसित करने में मदद की है। और इनकी चर्चा के लिए आपने स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की प्रक्रियाओं का चर्चा की है। इन दो धुरियों को दीर्घ और लघु परंपराओं के संदर्भ में परिभाषित किया है। मैरियट ने इसको आगे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि दोनों की अंतःक्रियाओं के स्वरूपों को भारतीय गांवों में स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण के रूप में परिभाषित किया है। जैसे दीर्घ परंपराएं जब निम्न स्तर पर उतरती है तो वह लघु परंपरा का हिस्सा बन जाती है और लघु परंपराएं इस प्रक्रिया में अपना स्वरूप खो देती है। जब लघु परंपरा की इकाइयां जैसे देवियां, प्रथाएं, संस्कार आदि दीर्घ परंपराओं की ओर बढ़ते हैं तो उनका स्तर दीर्घ परंपराओं के साथ जुड़ जाता है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते हैं। स्थानीयकरण की प्रक्रिया को समझाते हुए मैरियट का उल्लेख है कि यह वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दीर्घ परंपराओं की इकाइयां अपने शुद्ध स्वरूप को खो देती है और उसमें स्थानीय स्वरूपों का समावेश कर देती है। तो आपका ये मानना है कि लघु और दीर्घ परंपराओं के बीच में निरंतर अंतःक्रियाएं होती रहती हैं। आपने सामाजिक स्तरीकरण को भी समझाया है और उस संदर्भ में आपने गाँवों को स्तरीकरण का बंद प्रकार कहा है, यानी अंतर समूह के संबंधों की एक कड़ी सीमा है, वो नगरीय क्षेत्रों की तरह खुला हुआ संस्तरण नहीं है। नगर की तरह कुछ उपलब्धि से गांव की जाति व्यवस्था में परिस्थिति परिवर्तन के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी के साथ साथ आपने कास्ट रैंकिंग के बारे में भी बताया है और एक कठिन तुलनात्मक पद्धति के आधार पर आपने अपना विवेचन प्रस्तुत किया है और यह उल्लेख उनका कास्ट रैंकिंग एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर इन 5 रीजन्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में मिलता है। आपने कहा है कि सामाजिक परिस्थिति के में नरजातीय विभिन्नताओं में जाति जैसी श्रेणीबद्धताओं की उपस्थिति उसके अध्ययन का महत्वपूर्ण भाग था। भोजन के आदान प्रदान, जाति श्रेणीबद्धता के संबंध में उन्होंने एक पैमाना भी तय किया है। तो हम यहाँ इसको संदर्भित संदर्भ के रूप में ले सकते हैं। आगे आपने स्पष्ट किया है कि भारत में जाति संस्तरण व्यवस्था को समझने के लिए प्रक्रियाओं को कई स्तरों पर देखा जाना चाहिए और ये स्तर कौन कौन से हैं? ग्रामीण, नगरीय और उपनगरीय स्तर। किसी भी स्थानीय व्यवस्था में कई क्षेत्रों में उन इकाइयों को देखना जरूरी होता है जो विभिन्न लाक्षणिक अंतरों के आधार पर विभिन्न मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके अनुसार महानगरीय व्यवस्था में जो श्रेणीबद्धता विकसित होती है वैसी व्यवस्था ग्रामीण समाज में संभव नहीं है। परिस्थिति सांस्कृतिक आधार पर परिभाषित की जाती है। ग्रामीण जाति व्यवस्था में शुद्धता अशुद्धता पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही व्यवसाय और नातेदारी संबंध के अनुसार चलती है। सामाजिक संस्तरण के प्रमुख आधार इसी श्रेणीबद्धता का निर्माण, यहाँ एक परिस्थिति से दूसरी में यानी जो गतिशीलता है वो हमें कम देखने को मिलता है क्योंकि बंद स्तरीकरण की व्यवस्था गांव के अंतर्गत आपने वहां पर उस समय देखी थी और ग्रामीण क्षेत्रों में जातियां, आदिवासी समूह, नरजातीय समूह एक साथ ही गतिशील होते हैं। इसके विपरीत ऐसी सामूहिकता के अभाव में किसी को भी अपनी परिस्थिति बदलना संभव है। ग्रामीण और नगरीय परिवेश में यह अंतर ग्रामीण समाज में संस्तरणात्मक अंतरों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। तो आपने भारत में संस्तरणात्मक व्यवस्थाओं की या स्तरीकरण की जटिलताओं का उल्लेख किया है और इस बात को आप समझना चाहते हैं कि इस व्यवस्था में गतिशीलता के प्रयास क्या हैं। पहले ग्रामीण समाज में बंद व्यवस्था और नगरीय क्षेत्र में गुणात्मक आधारों पर रचित संस्तरणों में क्या अंतर है, इसको समझने की चेष्टा आपने अपने अध्ययन के अंतर्गत की है और उसी के फलस्वरूप आपने आगे उल्लेख किया है कि संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा के आधार पर स्तरीकरण में स्थान परिवर्तन संभव है। प्रत्येक जाति के स्थान और उसके सामाजिक संस्तरण में 3 क्षेत्रों, अन्य ग्रामीण क्षेत्र, चिन्हित सांस्कृतिक क्षेत्र और भाषाई क्षेत्र और संपूर्ण सभ्यता का क्षेत्र, ये 3 क्षेत्रों महत्वपूर्ण होते हैं जो वर्गों के मापन के लिए जाति श्रेणीबद्धता को महत्वपूर्ण आधार मानते हैं।
आपने श्रेणी व्यवस्था की चर्चा की है, जिसके अंतर्गत आपने बहुत संक्षेप में ये समझाया कि किसी भी समाज में धर्म द्वारा समर्थित प्रथाओं और परंपराओं से भी समाज संचालित होता है। ग्रामीण भारत में आपने जाति संचालन में सांस्कृतिक और धार्मिक हस्तक्षेप की पहचान की है और ये बताया है कि अब भी गाँव में पारस्परिक संबंध शुद्धता अशुद्धता की अवधारणा पर आधारित है, यानी गाँव के संबंध भेदभाव के संबंध है। दूसरी तरफ आपने सामाजिक गतिशीलता को समझाते हुए कहा है कि सामाजिक गतिशीलता की जो व्यवस्था है सोशल मोबिलिटी, उसमें जो श्रेणी व्यवस्था हमने ऊपर देखी हायरार्किकल ऑर्डर, उसमें भारतीय गतिशीलता के प्रतिमानों का उल्लेख किया है। आपने हिंदू सांस्कृतिक श्रेणियों का उल्लेख भी किया है और उनको अपनी पुस्तक इंडिया थ्रू कैटेगरीज में समझाने की कोशिश की है। तो आपका योगदान गाँव के संदर्भ में गाँव के लेख और लघु वृहद समुदाय, इसके साथ साथ स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण के संदर्भ में समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। थैंक यू।